అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు మనం బీదర్ జిల్లా భాల్కి తాలూకా కోణమెల్కుంద గ్రామంలో ఉన్నాము. మన యువరైతు ఇది చూస్తున్నారు కదండి, అల్లం పండించారు యువరైతు. ఆయనకు ఎలా పండించారని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తామండి. నమస్కారం సార్. నమస్కారం. ఆయనకు తెలుగు రాదు, హిందీలో చెప్తారు, తర్వాత ట్రాన్స్లేషన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తామండి. ఏ కెత్నా ఎక్కర్ మేదాలే సార్? सर अभी मेरे पास टोटल 3 एकड़ है. आपका परिचय बोलो सर पहला. सर मेरा नाम तानाजी महादेव बिरादर. हाँ. और तालुका भल्की डिस्ट्रिक्ट बीदर. ओके सर. कर्नाटक का सर. कर्नाटक. और सर ये मेरे पास 10 साल से अदरक में लगाता सर. हो गया अभी तक 10 साल से लगाते रहते. लगा सकते कंटिन्यू में रहते. कंटिन्यू 1-2 एकड़ लगाते. ये साल ज़्यादा मार्केटिंग के हिसाब से 4 एकड़ तक. 4 एकड़ लगाए. हाँ. ये कितने एकड़ में है? अभी ये 1.5 एकड़ का प्लाट है सर. ये 1.5 एकड़ का है. हाँ. और दूसरे तरफ दूसरी तरफ है अभी. हाँ, ये प्लाट छोड़ को है, दूसरी तरफ है. ये 1.5 एकड़ में है. 1.5 एकड़ में है. हाँ. ये कौन सा महीने में लगाया आप? ये साल बारिश आगे जाने से जुलाई में आया सर. हाँ. एक्चुअली हम जून फर्स्ट को लगाते. हर साल को जून फर्स्ट को लगाते सर. ये क्रॉप जुलाई में लगाए. ये क्रॉप जुलाई में लगाए. जुलाई लास्ट वीक में लगाए. लगाए थोड़ा बारिश आगे आ गया, इसलिए आगे आके लगाए. ये कितने डिस्टेंस में लगा है? ये 5 फुट का है सर. कट से पड़ जाए. ये बेड को बेड को बेड से बेड को 5 फीट. बेड को बेड को 5 फीट. लैटर टू लैटर 5 फीट. लैटर टू लैटर 2 लैटर डाले. हाँ, 2 रहा है. डबल लैटर है सर. डबल लैटर डाले. हाँ सर. ये कोसा सीड है? ये महीन वन बोल के आता है सर. लोकल है हमारा वेराइटी. महीन वन बोल के हमारे एरिया में सभी यूज लेते किसान. थोड़ा बारीक आता है क्या? थोड़ा बारीक आता है. हाँ. मगर इसको मर रोग है ना, कोड़े रोग बोलते हैं ना. हाँ, कम रहता है वो. डिसीज कम आता है. डिसीज कम आता है. विल्ट का. हाँ. विल्ट विल्ट कम आता है इसको. हाँ. ये देखो, ये क्रॉप में मेरा क्रॉप एक क्रॉप में तीसरी बार है सर. हाँ हाँ. एक्चुअली इसके ऊपर आपका बिजनेस लगाते हैं? हाँ, घर का बिजनेस लगाते हैं. इसमें से निकालते दूसरा तरफ लगाते. हाँ, दूसरा खेत में लगाते. आपका बीज 3 साल से लगा रही है? ये ऐसा तो 10 साल हो गया, मगर ये खेत में. हाँ हाँ हाँ. एक साल छोड़ के लगाए, सो है तीसरा साल है, तीसरी बार. एक क्रॉप को कितना साल डिस्टेंस? 2 साल रखना है. एक्चुअली 2 साल रखना है. मेरे पास जमीन कम है बोल के मैं. हाँ. एक साल रख के लगाया तो भी अच्छा हुआ. हाँ, अच्छा होगा सर. एक्चुअली हमारे पास नहीं हो रहा ऐसा. ओ ज्यादा 4 साल गैप दिया तो भी नहीं हो रहा. ज्यादा लगाने से क्या होता है सर, विल्ट आते जाता है वो. हाँ, विल्ट प्रॉब्लम है. विल्ट तो ज्यादा आता है और किसान को बहुत नुकसान होता है. इसलिए इसको ज्यादा डिस्टेंस, कितना दिन डिस्टेंस जाता है ना, उतना दिन तक ये हो जाता है. ये है होता सर. इसमें तो विल्ट प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, नहीं है सर. हाँ. नहीं. इसमें ज्यादा क्या क्या डिसीज आते हैं इसको? इसको देखो, ज्यादा मर्रोग ज्यादा आता है. वही विल्ट प्रॉब्लम. विल्ट प्रॉब्लम का प्रॉब्लम. हाँ. ये गया तो पूरा प्लाट ही जाता है. हाँ. रहे तो अच्छा प्लाट रहता है. हाँ. मगर एवरेज में पूरा खराब हो जाता है. विल्ट आया तो एवरेज ही नहीं निकलता. हाँ. खराब हो जाता. और इसको ज्यादा खर्चा है सर. खर्चा बोले तो बीज. आप एकड़ को कितना इन्वेस्टमेंट करें? ये देखो, बीज के ऊपर है सर, मार्केट का रेट के ऊपर है. हाँ. घर का बीज रहे तो हमको लगाया 8 क्विंटल तक लगाया बीज. एकड़ को 8 क्विंटल बीज लगाया? हाँ, 8 क्विंटल लगाया. हाँ. और टोटल में अब इसमें बेसल डोज में क्या डाला है इसमें? वैसे DAP, पोटास, MOP, माइक्रोन्यूट्रिएंट है सब. ये नहीं, हमारा फैक्ट्री का गन्ने का प्रेसमेट रहता है. ये डाले सो एकड़ को 50 टन. 50 टन एकड़ को प्रेसमेट डाले? डाले सर. और ये बेस ऑर्डर डाले सो है सर. DAP, MOP. ये भाईसांग का गोबरी वो? नहीं नहीं, वो डाले सो नहीं. हमारे पास ज्यादा एरिया है ना, वो बस नहीं होता हमको, इसलिए वो फैक्ट्री का प्रेसमेट डाल के लगाया सो है सर. और स्प्रे कितने बार करे इसको सर? 1 मंथ में 2 बार आराम से होना इसको. वैसे तो 3 बार भी लगता है. दो तीन बार लगता है 1 मंथ को. क्या प्रॉब्लम वजह से स्प्रे करते आप इसको? ये करपा और मर्रोग आता है. ये सूख जाते हैं? हाँ, ये करपा बोल के आता है, सूख जाता है. देखो. हाँ. अभी इसको इधर से नहीं लगता. हाँ. इधर से नहीं लगता सर. इसको एक छीटा भी आता है पत्ते. हाँ हाँ. और टिपका बोल के बोलते हैं हमारे इसमें. इसको क्या दवाई मारते हैं आप? ये देखो, शुरू से लेते सर, स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ता है. ओके. शुरू से देखो, हमारा अच्छा अच्छा BSFL है, एक्रोबेड है और रेडीमेड गोल्ड है और बायर का मारते और दमन का मारते है सर. स्टेप बाय स्टेप करपा बोलो और टिपका बोलो, ऐसा रोग आते जाता है. और मर रोग आया तो मेटलेक्सिल छोड़ना पड़ता है. टोटल थोड़ा 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 ऐसा देख के करना पड़ता है सर. कौन से सिचुएशन में कौन सा रोग आता है ना, वो करते जाना पड़ता है. ओके.
ये बीच में क्या कि दिख रहा क्रॉप है कि क्या डाले है? उसको क्या बोलते सर, बोलो। तिल है सर, तिल तिल? है। तिल हाँ सर, इसमें बीच में डाले क्या है? हाँ तिल है सर। हाँ, साल को लेते सर, हर साल को हर साल को लेते, ये डालते रहते हैं। एकर को देखो 2.5-3 क्विंटल तक ये घास भी नहीं होता? घास नहीं होता बोल के डालना क्या, घास बोले तो भी नहीं हो। इसको ज़्यादा सदा ज़्यादा निकलना पड़ता है ना, हाँ, उसलिए वो डालते हम ये बीच में डाले। बीच में डालते सर। ये कितना क्विंटल निकलता है? 3 क्विंटल तक निकाला है सर हम, हाँ 2 क्विंटल से 3 क्विंटल तक निकलता है। हाँ ये अदरक है ना, अब कितना महीने का क्रॉप है? देखो 7-8 महीने का है सर अभी। 7-8 महीने का है। हाँ ये पूरा ऊपर का पुरका है ना, हाँ ये कब गिर जाता है? कितने, अब 1 महीना 2 महीने में गिर जाता है? फरवरी फरवरी फ़रवरी में एंड तक पूरा गिर जाता गिर है। जाता है सर। हाँ, ये हार्वेस्टिंग कब करते हैं आप? मई में सर, मई के बाद ही, मई? मई जून जुलाई हाँ ये 3 महीने में करते हैं हम, मई हाँ लास्ट वीक में करते हैं हाँ और जून फर्स्ट, ऐसे तो जब बारिश कम रहे तो जुलाई में। जुलाई में। हाँ अब प्रेजेंट मार्केटिंग किधर करते हैं आप? लातूर नांदेड। लातूर नांदेड। हाँ, अब प्रेजेंट क्या रेट चल रहा है इसका, अदरक का? अभी देखो 7,000 से 10,000 तक चल रहा है 10,000 तक, 7 से 10,000 तक रेट चल अभी, रहा है। हमारे हिसाब से आगे जाके बढ़ बढ़ जाएगा, ऐसा अभी बढ़ने का बढ़ने का चांसेस है चांसेस है, लेकिन कम होने का कम होने चांसेस नहीं तो होता नहीं। सर। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट कितना लगा है? नहीं बोले आप, इन्वेस्टमेंट एकड़ देखो कितना होता है हर साल को? बीन छोड़ के, बिंच बिंच को छोड़ो, बिंच को बीन को छोड़ छोड़ के, के 1 लाख तक आता है, बिंच को छोड़ के 1 लाख, 1 लाख आता है। बिंच को 50-60 तक आता। वो कैसा है मार्केट के हिसाब से रेट कैसा रहता है, वैसा हाँ, बीज का वैल्यूएशन अब टोटल होती में रहती। देखो 1.5 लाख से 2 लाख तक आता समझो, हाँ आता है, बीज आता है। का ज्यादा कम हिसाब हाँ से। आता है हाँ, सर, आता टोटल है। में 2 लाख तक, हाँ 1.5 से 2 लाख तक। ये यील्डिंग आए तो कितना, एकड़ में कितना यील्डिंग ये आता हमारे आपका? हिसाब से 80 क्विंटल से 100 100 क्विंटल तक हम यील्ड निकाले सो है सर। आप निकाले सो है, हाँ ज़्यादा हुआ तो कितना होता सौ भी एकड़? ज़्यादा किसान तो हमारे एरिया में 100 निकलते। 100 निकलते हाँ एकड़ को? 80 से 100 तक निकलते ज़्यादा, एक हाँ लेवल बोले तो हाँ हाँ ऐसा। ये रेट रहे तो 8-10 लाख का आराम से हो जाएगा, हाँ 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 प्लस हुए तो प्लस भी हो जाता है रेट के ओके। हिसाब से, प्लस हो जाते होते रहता है। ओके अंडी, మన రైతన్న మనం ఇప్పుడు కర్ణాటకలో ఉన్నాము. అల్లం పండించారు చూడండి, ఆయనకు ఎకరాకు ఇంచుమించు 1.5 లక్షల పెట్టుబడి వచ్చిందంట. 100 క్వింటల్ వరకు మనం దిగుబడి తీస్తామని చెప్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు 10 సంవత్సరాల నుంచి అల్లం పండిస్తారంట. మనము డిస్టెన్స్ అనేది బెడ్డుకు బెడ్డుకు 5 ఫీట్ల డిస్టెన్స్ పెట్టారు, 2 డ్రిప్ పైపులు వేసుకున్నారు. వాళ్ళు ఎకరాకు 8 క్వింటల్ల విత్తనం వాడినామని చెప్తున్నారు. మంచిగానే ఉన్నది, ఆశించదగినట్లా ఉన్నది. టోటల్గా 3.5 ఎకరాలు ఆప్ हाँ अभी 3.5 एकड़ है। టోటల్గా 3.5 ఎకరాల్లో ఆయన అల్లం పెట్టినట్టు ప్రతి సంవత్సరం వేస్తూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇది చూస్తున్నది అయితే 1.5 ఎకరాల్లో ఉందని చెప్తున్నారు. మన రైతన్న మధ్యలో నువ్వులు చల్లుకున్నారు చూడండి, అల్లంకు మధ్యలో నువ్వులు. ఓకే సార్, నమస్కారం, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు.